हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए अपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये हमें हमारे भाग्य को बेहतरीन बनाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि जैसा आज हम व्यवहार करते हैं या जैसा आज हम सोच रखते हैं, वही हमारे आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम हर बार किसी न किसी एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। तो अभी तक जो हमने बात की है इस पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, वो है कि हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को एक्सेप्ट करना, खुद से प्यार करना। तो जिसके लिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, मिरर के सामने जाएं और मिरर के सामने जाकर के खुद से एक लाउड वॉइस में कहें, I love myself। जब आप खुद को प्यार करने लगते हैं, जब आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो बहुत सारी शिकायतें आपकी खुद ब खुद कम होती चली जाती हैं। और दूसरी प्रैक्टिस जो मैं आप सब लोगों से करने के लिए बोलता हूं, वो ये कि जब भी आपके आसपास सुख हो, शुक्राना कीजिए। और जब भी आपको लगे कि आप थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, वहां पर अरदास कीजिए, भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए, प्रेयर कीजिए। वो डेफिनेटली अगर आप लायक होंगे तो आपको उस दुख से मुक्ति जरूर दिलाएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो आज हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो है विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए खुद पर, विश्वास कीजिए अपने आसपास के लोगों पर, विश्वास कीजिए आपके सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं उन पर, ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकें, ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट करके उन परेशानियों से पार लेने के लिए अच्छे डिसीजंस ले सकें। विश्वास कीजिए परमपिता परमात्मा पर। विश्वास एक ऐसी कड़ी है जो अगर किसी भी चीज पर आ जाए तो वो शायद अमृत हो जाती है। एक विश्वास ही तो है जो किसी भी डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाई को अमृत तुल्य बना देता है और पेशेंट खुद ब खुद ठीक हो जाता है। और वो विश्वास ही तो है जिसकी वजह से एक डॉक्टर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन देता है लेकिन पेशेंट पर काम नहीं करती है। सो विश्वास बनाए रखें कि आपके साथ जो हो रहा है वो वही हो रहा है जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपके लिए जो सबसे बेस्ट होगा, अगर ये विश्वास आने लगेगा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुद ब खुद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर को खूबसूरत बनाने के लिए, और ना सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए बल्कि हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए। हमारे शरीर में जो एजिंग के बहुत सारे लक्षण समय पर हमारे आने लगते हैं, हमारे जोड़ों का दर्द होने लगता है, हमारी हड्डियों में से आवाज़ आने लगती है, स्किन पर झुर्रियाँ, फाइन लाइंस, रिंकल्स आने लगते हैं, बालों की चमक होने लगती है, आंखों में ड्राइनेस आने लगती है, या फिर नेल्स जो है वो अच्छे से नहीं बढ़ते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स में ये एक चीज आपको बहुत ज्यादा मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आज ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 पर ऑलरेडी भी मैं आपको बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूं, लेकिन क्योंकि हर रोज बहुत सारे नए व्यूअर्स, नए सब्सक्राइबर्स इस चैनल के साथ जुड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग था कि सर ओमेगा 3 के बारे में बताइए, हम उसके बारे में और भी बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। सो क्या है ओमेगा 3, क्यों लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और कौन सा ऐसा ब्रांड है जो ईमानदारी से हमें ओमेगा 3 इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है, इन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर कि अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमाथेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ओमेगा 3 की, तो सबसे पहली चीज़ जो ये समझने की है कि ये एक फैटी सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। इसका मतलब कि इस असेंशियल फैटी एसिड के बिना हमारे शरीर की कुछ एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि रुक जाती है, इसलिए ये हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है प्रोवाइड कराना।
बहुत सारे लोग इसे अपनी नॉन वेजिटेरियन डाइट से पूरा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी वेजिटेरियन डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख करके इसे पूरा करने के प्रयास करते हैं, लेकिन 95% लोग, जी हाँ दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, कि 95% जो लोग हैं हिंदुस्तान के, उसमें ओमेगा 3 की कमी पाई जाती है, और इस कमी की वजह से ही आज उनके जोड़ों में उम्र से बहुत पहले ही जोड़ों का दर्द आने लगा है, उनकी हड्डियां कड़कड़ करने लगती हैं, आंखों की चमक कम हो जाती है, स्किन और जो नाखून है वो बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते हैं, और बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते हैं। और यहीं पर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिन सप्लीमेंट्स की वजह से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमारे शरीर के अंदर इस ओमेगा 3 की कमी को पूरा करने के लिए। ये ओमेगा 3 बनता कैसे है? अगर हम ये देखें तो ओमेगा 3 को बनाने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, वो है EPA और DHA। EPA और DHA जो हैं ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जब मिलते हैं एक अच्छे प्रपोर्शन के अंदर तो ओमेगा 3 बनाते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें जब अच्छे प्रपोर्शन के अंदर मिलती हैं तो हमारी जो जोड़ हैं वो लुब्रिकेटेड हो जाते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, हमें जो डाइजेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जिसको हम इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, ब्लोटिंग कहते हैं, या फिर इनडाइजेशन कहते हैं, या कुछ लोगों में पाइल्स की जो प्रॉब्लम आ जाती है, उन सब में भी हमें ये ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओमेगा 3 हमारी स्किन के ऊपर जो प्रीमेच्योर एजिंग की वजह से जो रिंकल्स आ जाते हैं, जो फाइन लाइंस आ जाते हैं, उसे भी डिले करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब बात आती है कि हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा ब्रांड है जो हमें अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 प्रोवाइड कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि जिसके अंदर कोई भी हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए। सो मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको हैवी मेटल से फ्री अगर ओमेगा 3 चाहिए और अच्छी मात्रा में एक ऐसा ओमेगा 3 जिसमें DHA और EPA हो, तो आपको हमेशा मसल नेक्टर के ओमेगा 3 कैप्सूल्स को चूज करना चाहिए। मसल नेक्टर एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत ज्यादा रिसर्च करता है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने से पहले, ताकि उन प्रोडक्ट्स को किसी भी तरह से कहीं पर भी बीट ना किया जा सके। सो बहुत जरूरी है कि अगर हम मसल नेक्टर के ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आप देखिए दो रिपोर्ट्स भी देख पा रहे होंगे। ये रिपोर्ट्स जो हैं वो इक्विनॉक्स लैब से लिए गए हैं, जो कि दुनिया की बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लैबोरेटरीज में से एक है, और ये प्रूव कर रही है कि यहां पर जो EPA जो हमें मिलता है वो मिलता है 354.99 मिलीग्राम्स, एंड DHA जो हमें मिलता है वो मिलता है 245.11 मिलीग्राम्स। तो इसका मतलब कि टोटल जो हमें इस बॉटल में क्लेम किया जाता है कि हमें जो EPA मिलता है वो 300 मिलीग्राम है और जो DHA मिलता है वो 200 मिलीग्राम है, उससे कई गुना ज्यादा रियलिटी में ये रिपोर्ट बताती है कि इसके अंदर मसल नेक्टर ने डाला हुआ है। इसका मतलब कि जो भी क्लेम्स आपको इस मसल नेक्टर की बॉटल पर मिलते हैं, इसके लीफलेट पर मिलते हैं, वो गलत नहीं है, वो इक्विनॉक्स लैब्स भी इसे अप्रूव करती है। अगर मैं इसकी दूसरी लैब रिपोर्ट्स की बात करूं तो इसके अंदर ये देखा गया कि इसके अंदर बिल्कुल भी हैवी मेटल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हैवी मेटल्स वो होते हैं जिनको कि अपने कैप्सूल के साइज को या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो हमारे शरीर में जाकर के बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं जिनकी वजह से हमें आज नहीं पता लगता, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमारा लिवर, हमारी किडनी, हमारे ब्लैडर और हमारे यूट्रस पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर रिपोर्ट देख पा रहे हैं कि इसके अंदर लेड, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, निकल, आर्सेनिक, टिन और मर्करी, कोई भी हैवी मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब कि ये एक ऐसा मसल नेक्टर का ओमेगा 3 कैप्सूल है जो कि हमारे शरीर के लिए पूरी तरह से सेफ है, जिसे हम आंख बंद करके अपने शरीर की फिटनेस के लिए और अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मसल नेक्टर से मैं इससे पहले भी आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूं, मैंने इसके कॉलेजन पाउडर के बारे में आपसे बात किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया और आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। सो एक और बेहतरीन प्रोडक्ट जो मसल नेक्टर हमें दे रहा है वो है ओमेगा 3 कैप्सूल्स, तो इसे अपने रूटीन में आपको जरूर शामिल करना है। इसे लेने का तरीका बहुत आसान है, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को आप लीजिए, और आपको जब ये लेना है तो खाने से तुरंत पहले या खाने के बीच में लीजिए, ताकि इसका डाइजेशन पूरी तरह से हो सके और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो EPA है और DHA है, उसका एब्जॉर्प्शन 100% हो सके, ताकि ये हमें बेहतरीन रिजल्ट दे सके। सो अगर आपको लगता है कि आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपको लगता है कि आपको ब्लोटिंग रहती है या डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई इश्यू है, आप
आपके नाखून नहीं बढ़ते हैं, आपके बालों में चमक नहीं है, आपकी स्किन में प्री मेच्योर एजिंग या रिंकल्स आने लगे हैं, आपकी स्किन का ग्लो गायब होने लगा है, तो डेफिनेटली आपको मसल नेक्टर के इस ओमेगा 3 को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे ईजीली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो कंटेंट, जो कि बहुत ज्यादा आपके डिमांड पर आधारित था, आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि इस परिवार को आप ज्वाइन कर सकें और आने वाले सारे के सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो much. Bye-bye. Love you all.